अभी मैं आपको ये डिजाइन बुन करके बताऊंगी। ये देखिए, ये 4 रो का बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है, और आप इसमें कलर भी यूज कर सकते हैं और विदाउट एनी कलर भी आप बुन सकते हैं सिंगल कलर में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ तोड़ यहाँ पे सिंगल कलर में बता रखे हैं ताकि आप देख सकें कि ये कैसा लगता है सिंगल कलर में और ये 2 कलर में। तो जो इसके लिए फंदे चाहिए वो हमें 4+1 के मल्टीपल में चाहिए। तो रो 1 हम राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 में जो भी आप फर्स्ट कलर रखना चाहते हो वो आप रख लें और उसी से आप रो 1 की शुरुआत करें। तो रो 1 में सारे फंदे को हमें सीधे बुन लेना होगा। ये देखिए, रो जो 1 था वो हमने सारे फंदे को सीधे बुन लिए हैं। अब हम रो 2 में आ जाते हैं, रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में जो रो 2 होगा हमारा, उसमें सबसे पहले हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद हम अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे और 3 फंदे को हम एक साथ उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हमें यहाँ फंदे गिराने नहीं हैं, हम इसमें से ही फिर अगेन 3 फंदे बनाने होंगे। तो हम ऊन आगे ऐसे लेके आएंगे और फिर इसके नीचे से हम एक और फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, हमारे पास फिर से 3 फंदे हो गए हैं और फिर हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद अगेन हम अपना रिपीट फिर से स्टार्ट करेंगे, 3 फंदे को हम एक साथ उल्टा बुन लेंगे और इसी में से हम 3 फिर से बना लेंगे। उसके बाद फिर हम एक फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लेंगे। रो 2 में रॉन्ग साइड से हमें सारे फंदे को एंड तक ऐसे ही बुनते जाना होगा। लास्ट में आपके पास एक फंदे बच जाएंगे तो उसे आप उल्टे बुन लीजिएगा। तो सेकेंड बुन लेने के बाद अब हम रो 3rd में आ गए हैं और ये अगेन राइट साइड है। तो रो 3rd में हम अपना दूसरे कलर से सारे फंदे को सीधे ही बुन लेंगे। बस हमें कलर सिर्फ चेंज करना होगा और सभी फंदे को सीधे बुन लेना होगा और रो 3rd में कुछ भी नहीं करना है। रो 3rd सारे फंदे सीधे बुन लेने के बाद हम रो 4th में आ गए हैं और रो 4th में शुरू के 3 फंदे को हम उल्टे बुन लेंगे, 1, 2 और ये 3। ये देखिए, 3 फंदे बुन लेने के बाद अब हम 3 फंदे को एक साथ यहाँ पे बुन लेंगे। उसके बाद इसी से हमें 3 फंदे बनाना होगा। उसके बाद रो 3rd सारे फंदे सीधे बुन लेने के बाद हम रो 4th में आ गए हैं। रो 4th में शुरू के 3 फंदे को हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, 1, 2 और ये 3। उसके बाद अब हम यहाँ पे 3 फंदे को एक साथ बुन लेंगे फिर से। जैसे रो जो 2 था हमारा, उसमें हमने किया था, बस वैसे ही करना है। इसमें से ही फिर हमें 3 फंदे बना लेने होंगे। उसके बाद हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक फंदा हम यहाँ पे बुन लेंगे। अब हमें बीच बीच में बस जो स्टार टाइप का होता है वो बनाने के बाद हम एक ही फंदा बीच में उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, उसके बाद फिर अगेन हम एक फंदा यहाँ बुन लेंगे। उसके बाद हम 3 फंदे को यहाँ पे एक साथ बुन लेंगे। फिर वो एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम 3 को एक साथ बुन लेंगे। लास्ट में देखिए, हमारे पास 3 फंदे बच गए हैं। तो शुरू में जैसे हमने 3 फंदे यहाँ पे सीधे उल्टे ही बना लिया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी डायरेक्ट उल्टे ही बुन लेंगे। और ये देखिए, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। हमें फिर से रो 1 से स्टार्ट करना होगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है ये, और बहुत सारे कलर में तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप
चाहें तो अपने अनुसार बहुत सारे कलर का यूज कर सकते हैं या दो कलर यूज कर सकते हैं।